अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू के वाले पराठे। तो ये मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं और इन्हें इनका छिलका उतार लिया, और ये मैंने पेड़े बना के रखे हुए हैं, और ये मैंने 3 हरी मिर्च काटी हैं, और ये लहसुन का है, कच्चा लहसुन है थोड़ा सा, और ये मेथी है खुश की हुई। ठीक है, तो अब मैं इसके साथ अंदर सारी चीज़ें ऐड करती हूँ, तो आप लोग भी देख लें। नमक ऐड किया है, सूखी मिर्च ऐड की है, और अब मैं इसमें ये थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूँगा। इसके साथ ही पिसा हुआ खुश्क धनिया, सूखा धनिया सब ये ऐड कर देंगे हम। और इन चीज़ों को सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलू को इस तरह थोड़ा थोड़ा मैश कर देना। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ। जी, तो ये अब इसका मिक्सचर रेडी कर लिया हमने, इसे सारा मैश कर लिया इस तरह। ठीक है, रोटी में लगाने के लिए, और इसे अब 5 मिनट तक रखेंगे, और फिर बाद में रोटियों में लगा के तो बना लेंगे। लेकिन हर चीज़ मिक्स हो गई और आलू भी बारीक बारीक हो गए हैं, मीन्स हमने इसे सारा कूट लिया। और एक दफ़ा नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि आप लोग तेज़ खाते हैं या लाइट खाते हैं, या मिक्सर बन जाए तो एक दफ़ा उसका टेस्ट कर लें, तो उसके बाद इसे रोटियों में लगा लें, पराठे में।